आप देख रहे हैं पुलिस वाला बाब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भ्रष्टाचार मुक्त समिति के प्रमुख मंजू अग्रवाल आज गधे पर बैठकर विकास यात्रा में पहुंचे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बैंड बाजा बजाते हुए अनोखा प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मंजू अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नगरीय प्रशासन जनता को कीड़ा मकोड़ा और गधा समझ रही है, इसलिए मैं आज गधे पर बैठकर विकास यात्रा की पोल खोलने आया हूं। मंजू नेता ने कहा कि नगर पालिका में और कथित जयचंदो द्वारा 8 तारीख को शिकायत की जाती है और 9 तारीख को नोटिस जारी हो जाता है। विकास यात्रा में गधे पर बैठकर शामिल होने पहुंचे मंजू नेता को नपा अध्यक्ष ज्योति चौरसिया के पति सुरेंद्र चौरसिया द्वारा काफी देर तक समझाइश दी जाती है, लेकिन मंजू नेता द्वारा लगातार गधे पर बैठकर शासन प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाता है। वहीं पूरे मामले में नपा अध्यक्ष ज्योति चौरसिया ने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, किस बात को लेकर ये यात्रा निकाली गई। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा पर अब आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं। मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल और फिर मंजू नेता। आज मैंने इसका टाइटल दिया मंजू अग्रवाल मैं गधा हूँ। इसको इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये टाइटल दिया है कि प्रशासन द्वारा आम आदमियों को शायद मेरी दृष्टि से गधा, कीड़ा मकूड़ा एवं गुलाम की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए आज मैंने कहा कि गधे में बैठकर मैं इसको विरोध प्रदर्शन जारी करूँ, जिससे कि इनकी शायद भ्रष्टाचार अधिकारियों की आंखें खुल सकें, नींद निंदा से जग सकें जी लोग। इसका विरोध प्रदर्शन करने आया हूं मैं। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों का बिल्कुल विकास यात्रा के नाम पे विकास तो दिखता ही नहीं है, बस काली कमाई को अपने घर पे रखा जाता है। विकास धरातल पे नहीं है, विकास घर अधिकारियों के घर पर है। जैसे नालियों नलों के लिए रोडें खोद दी जाती हैं परंतु रोडों का निर्माण नहीं कराया जाता है। जैसे आवास योजना के आवेदन तो ले लिए जाते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार हो वहां पर उनका पैसा लेके उनकी स्वीकृत कर दी जाते हैं, बाकी लोगों के किसी भी प्रकार के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाता है। ये हमने गधे में बैठकर इसको प्रदर्शन किया है। ये इसलिए जरूरत पड़ गई कि ये भैया हमें 8 तारीख को इन्हें शिकायत प्राप्त होती है नीलम अग्रवाल द्वारा की जाती है और 9 तारीख को मुझे नोटिस दी जाता है। 9 तारीख को सुबह देता है कि 24 घंटे का आपको 8 बजे मिलती प्राप्त होता है और 24 घंटे का समय दिया जाता है, मतलब उसी दिन भर मिलेगा। शाम के 4-5 घंटे का आपको समय है, आप जवाब दीजिए वरना नहीं 1-5 कार्रवाई की जाएगी। मैंने भी संकल्प ले लिया कि आप मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर दीजिए। मान लीजिए अगर इस प्रकार की अगर कार्रवाई होने लगे तत्काल तो आदमी की समस्याएँ क्यों उत्पन्न हों। अरे यार भैया एक ही घंटा में 24 घंटे में अगर नोटिस जारी हो सकता है तो 24 घंटे में प्रकरणों के निराकरण क्यों नहीं हो सकते हैं आदमियों को जो बिल्कुल मिला है। इसमें कछूत जयचंद दलालों से मिली भगत करके इन पे नोटिस लिया जिससे शिकायत प्राप्त हो, शिकायत ले ली उनने जयचंद दलालों से और मुझे नोटिस दे दिया है जिसे कि उनकी दलाली बराबर बरकरार रहे, क्योंकि देश भी जयचंद जैसे लोगों से ही गुलाम हुआ था। इसी प्रकार की जिस सोचते कि आम आदमी गुलाम रहे और मेरी रोटियां सिकती रहें। डांस करते हुए ढोल मजीरों के साथ, उसके बारे में तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं है कि ढोल से किस उसमें यात्रा निकाली। हम अपनी विकास यात्रा लेके वार्ड नंबर 2 में आए हैं जो कि ये गोविंद तिवारी जी का वार्ड है और विकास के पूरे कार्य हम लोग कर रहे हैं। जो जितने भी जो समस्याएं हैं, जन कल्याण योजनाएं हैं, जितने भी वार्ड की समस्याएं हैं तो उनको पूरा करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और किया है और आगे भी करते रहेंगे। कहीं ना कहीं विकास यात्रा बढ़ाने के लिए पटन तो नहीं रचा गया जी, कहीं ना कहीं विकास यात्रा को बढ़ाने के लिए पटन तो नहीं रचा गया। ये तो अब उनका ही, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि हम लोग का यहाँ आना हुआ, ये ढोल वजह किस वजह से हुए इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती।